श्री आत्मराम तुकाराम भिडे जी गोपीनाथ सोसायटी का एकमेव सेक्रेटरी। आप बीच में मत बोलिए वकील साहिबा, केस शुरू कीजिए। यस माय लॉर्ड। किसका फोन बजा? सॉरी सॉरी सॉरी, मेरा फोन बजा नटू काका, सॉरी। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, आई एम नॉट नटू काका, आई एम योर ऑनर। आप अपना फोन बंद कर दीजिए वरना आपको अदालत से बाहर जाना पड़ेगा। वकील साहिबा, केस शुरू कीजिए। यस माय लॉर्ड। अरे जज साहब का ही फोन बजा, जज साहब को अदालत से बाहर करो। दूसरे जज साहब लेके आओ भाई, चलो बाहर करो इनको, चलो चलो चलो। पद्मावती भोजनालय से फोन है, बात करनी ही पड़ेगी। अरे हेलो हेलो, क्या बात कर रहे हैं आप? केसर बासुंदी? अरे केसर बासुंदी तो मुझे और बागा को बहुत पसंद है। अरे बागा, आज केसर बासुंदी है, तू गाएगा ना? हाँ हाँ नटू काका। नटू काका यही मंगवा लीजिए ना। ऑर्डर ऑर्डर, मेरा कोमल का और गोली का, तीनों का ऑर्डर दे दीजिए। ओ अच्छा अच्छा, और कोई खाएगा केसर बासुंदी? अरे काय चल रहे हैं? अरे ओ नटू काका, आप जज है, जज से वेटर का बन गए, क्या ऑर्डर लेने लगे सबका? सॉरी सॉरी, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ, अभी मैं कोर्ट में हूँ। मिस्टर भिड़े, आप पर पहला इल्जाम ये है कि आप रोज रोज टप्पू की शिकायत करते हो। हाँ तो मैं क्या गलत करता हूँ? जस्ट साहब मैं आपको बताता हूँ, इस टप्पू ने बचपन से लेके आज तक मेरे घर के कितने सारे कांच तोड़े हैं, सोसाइटी की प्रॉपर्टी का नुकसान किया है, और इसके बारे में मैंने इसके पिताजी यानी जेठालाल जी से कंप्लेंट भी की है, लेकिन आज तक जेठालाल ने उसको कभी समझाया ही नहीं। अरे ओ मुजरिम भाव, मुकदमा तुम पे चल रहे है भाई, मुझे काम बीच में घसीट रहे हो। हाँ तो मैं नाटक ही कर रहा हूँ, एक्ट में फैक्ट बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ शांति रखो भाई, वरना इस प्रोग्राम के चक्कर में बिना बात का टेंशन हो जाएगा, और भिड़े को जवाब देना है, तुम क्यों चिंता कर रहे हो? ऑर्डर ऑर्डर, आप लोग शांति रखिए। मिस्टर भिड़े कंटिन्यू। हाँ जज साहब, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि टप्पू मस्ती करता है इसलिए मैं शिकायत करता हूँ, और एक शिक्षक होने के नाते बच्चों को डिसिप्लिन सिखाना मेरा फर्ज है। लेकिन मिस्टर भिड़े, डिसिप्लिन के नाम पर आप बच्चों से उनका बचपन नहीं छीन सकते। वकील साहिबा, मैं बच्चों से बचपन नहीं छीनता हूँ। जज साहब, जो मूल्य और संस्कार इंसान बचपन में सीखता है वो जिंदगी भर नहीं भूलता, और वो सिर्फ एक शिक्षक सिखा सकता है। ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर भिड़े, गोकुलधाम की तरफ से आप पर दूसरा इल्जाम ये है कि नोटिस बोर्ड पे आप जो सुविचार लिखते हो वो सबको टॉन्ट मारने के लिए लिखते हो, क्या ये सच है? हाँ बराबर है, बराबर है भाई, मैं इस बात का सबूत हूँ। अभी मुझे भी टॉन्ट मारने के लिए थोड़े दिन पहले भिड़े ने लिखा था कि पत्नी नमक जैसी होती है, उसके बिना जिंदगी फीकी होती है। गलत गलत जज साहब, ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। जज साहब, मैं किसी पर व्यंग करने के लिए या किसी को सुनाने के लिए सुविचार नहीं लिखता हूँ, और मेरी इस बात से हमारे सोसाइटी के बुजुर्ग शिव चंपकलाल जी भी सहमत है, बोला चाचा जी। अहो मिस्टर भिड़े। हाँ हाँ हाँ, और जज साहब, लोग अच्छी चीजें सीखे इसलिए मैं सुविचार लिखता हूँ, मेरा और कोई इरादा बिल्कुल नहीं होता। अगला बड़ा और संगीन इल्जाम आप पर ये है कि बहुत सालों से आप गोकुलधाम सोसाइटी के सेक्रेटरी बनकर बैठे हैं। एकमेव। हाँ तेज से, एकमेव सेक्रेटरी बनकर बैठे हैं। आप इलेक्शन ही नहीं होने देते, मतलब जिससे किसी को सेक्रेटरी बनने का मौका ही नहीं मिलता, क्या ये सच है? वकील साहिबा, कोई और सेक्रेटरी बने इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं,
लेकिन जज साहब सोसाइटी के बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं जो एक सेक्रेटरी हैंडल कर सकता है। सोसाइटी में ऐसे कई लोग होते हैं जो बार बार मांगने पर भी सोसाइटी का मेंटेनेंस का चेक टाइम पर नहीं देते, तो मुझे उनके घर जाकर चेक लेना पड़ता है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि सोसाइटी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, कभी पानी का प्रॉब्लम होता है, कभी इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम होता है, सोसाइटी में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं जो मैं टाइम पर करता हूँ। फिर भी अगर आपको लगता है कि मैं अपना काम अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पा रहा हूँ, तो मैं अभी के अभी मेरे सोसाइटी के सेक्रेटरी पद से इस्तीफा देने को तैयार हूँ। थैंक यू दैट्स ऑल माय लॉर्ड। आहो मिस्टर भिड़े, वो मेरी लाइन है। नहीं नहीं, वो तुम बोलो या मैं बोलो, वो माय लॉर्ड सो रहे वहां पे। ओह माय गॉड, नट्टू काका अरे नजदीक जाओ ना। नट्टू काका, मैं कहां हूं? क्या कर रहे हैं हम लोग? गोकुलधाम सोसाइटी में नाटक कर रहे, गणेश उत्सव है, अगर नहीं किया तो 51,000 का फाइन पड़ेगा ना। आप यहाँ क्यों खड़े हैं? जाइए घर जाइए, कटघरे में जाइए। घर आने कटघर। बेटा अभी कितना बाकी है नेक्स्ट इल्जाम? तो मिस्टर भिड़े, अगला इल्जाम आप पर ये है कि आप अपने स्कूटर के लिए लड़ पड़े। सखाराम, आप अपने सखाराम के लिए लड़ पड़ते हो, जरा सी खरोंच भी आए तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हो। एक सखाराम के लिए इतना प्यार? बिल्कुल जस साहब, मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने स्कूटर का नाम सखाराम क्यों रखा। सखा मतलब सोपती, सखा मतलब दोस्त। सखाराम सिर्फ स्कूटर नहीं है, मेरा दोस्त है, मेरे बेटे जैसा है, मेरे परिवार का सदस्य है। नहीं बराबर है, लेकिन एक स्कूटर के लिए सखाराम। अरे हाँ हाँ, सखाराम के लिए तूने सोसाइटी में कितनी बार हंगामा किया है। जस साहब इसका मैं अच्छे से जवाब दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे कटघरे से बाहर आने की इजाजत चाहिए। ओहो, ग्रांटेड। थैंक यू। उपटलाल। हाँ बोलो बोलो। ठीक ना, क्या 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 हो? एक मिनट मिनट, अरे तुम्हारा ये छाता है ना, तोड़ देता हूँ। अरे मिस्टर भिड़े, आप केस छोड़ के पकड़ा पकड़ी क्यों खेल रहे हैं? मिस्टर भिड़े, क्या मजा आ गया छाते के साथ? छाते को कुछ हो जाता तो? ऑर्डर। देखा जैसा आपने देखा, पोपट डाल के छाते को मैंने जरा सा छुआ तो उसकी ये हालत हो गई। मैं यही साबित करना चाहता हूँ जस्ट साहब कि जितना प्यार पोपटलाल अपने छाते से करता है, उतना ही प्यार मैं अपने सखाराम से करता हूँ। क्या बात है भिड़े भाई, बहुत अच्छे। अगर तुम बोल के समझाते ना तो ये बात समझ में नहीं आती। बिल्कुल सही तरीका था ये समझाने का। अरे भाई, यही तो हमारे गोकुलधाम के संस्कार है। हम निर्जीव चीजों से भी इतना प्यार करते हैं जैसे कोई अपना हो। तो मिस्टर भिड़े, अगला इल्जाम आप पर ये है कि आप हमारे जमाने की बातें बहुत करते हैं, ऐसा क्यों? हाँ पिड़ू, ये हमारा जमाना है क्या? अरे छोटी समझा नहीं पाए, इसका जमाना मतलब बाबा आदम का जमाना। ऑर्डर। मिस्टर भिड़े, सबको डिटेल में बताइए कि हमारा जमाना मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? बताता हूँ जस साहब, हमारा जमाना मतलब मैं जब छोटा था तब की बात करता हूँ। हमारे जमाने में हम बड़े आज्ञाकारी थे, माँ बाप की हर बात मानते थे, हम छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढ लेते थे, रिक्शा में सफर करना हमारे लिए लग्जरी थी। जब हम डबल डेकर बस में बैठ के सफर करते थे तब ऐसा लगता था कि हम लोग उड़न खटोले में बैठ के सफर कर रहे हैं। बचपन में कागज की नाव बना के पानी में चलाते थे, कागज का एरोप्लेन बनाते थे, डब्बा स्पेस, लुका छुपी, पकड़ा पकड़ी, कंचे, कितने सारे खेल खेलते थे।
आजकल के बच्चों को गेम मतलब मोबाइल, खिलौने मतलब मोबाइल। जस साहब, एक चॉकलेट के चार टुकड़े करके दोस्त आपस में बांटते थे। बच्चों, वड़ा पाव खाना मतलब हमारे लिए पार्टी करने के बराबर था, और उस वक्त हमें कोई पॉकेट मनी नहीं मिलती थी, लेकिन फिर भी हमने कभी कंप्लेंट नहीं की। हम आज्ञाकारी थे और आज्ञाकारी ही रहे। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है भाई, हम लोगों को पॉकेट मनी क्या होती है तो पता ही नहीं था भाई। बिल्कुल। और मेहता साहब, नए कपड़े सिर्फ दिवाली टू दिवाली मिलते थे, और आजकल देखो कुछ हुआ नहीं, बोर हुए नहीं कि शॉपिंग चलते, बोर हो गए शॉपिंग चलते, कपड़े ही खरीद रहे। जस साहब, मुझे ऐसा लगता है कि आदमी कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, उसे अपना बचपन कभी नहीं भूलना चाहिए। बचपन की सुनहरी यादें जिंदगी भर याद रहती। तो जज साहब, प्लीज आपका फैसला सुनाइए। अरे वाह, हो गया बेटा। सारी बातें और दलीलें सुनकर अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि डिसिप्लिन रखना जरूरी है। सुविचार लिखना तो समाज सेवा है, और पुराने जमाने की बातें करना भी कोई गलत बात नहीं है, और अपने स्कूटर से प्यार करना उनका हक है। इसलिए ये अदालत आत्माराम तुकाराम भिड़े को बेकसूर मानकर बेइज्जत बरी करती है। जोरदार एक्ट किया यार, तो हमारे आत्माराम तुकाराम भिड़े यानी मेरे प्यारे पिड़ू के लिए जोरदार तालियां। वाह नट्टू काका, क्या परफॉर्म किया है, मजा आ गया। थैंक यू बेटा। वैसे माधुरी बाबे कहना पड़ेगा, आज तो आपने गजब के निडरता दिखाई। थैंक यू। नहीं, भिड़े का नाम लिया आपने? ये लगभग मुझे लगता है पहली बार शायद आपने भिड़े का नाम लिया होगा ना ऐसे। हाँ, सबके सामने पहली बारी। गाय नहीं लेती तो फाइन भरना पड़ता ना। तो अब हमारे बंदूकबाज दादाजी आएंगे और गोली से उड़ाएंगे।